चले भाई, ये आए हैं बड़े बड़े टिकटॉकर आए तस्वीरें बनाने, इनसे पूछते हैं इनका क्या टैलेंट है और इनसे क्या हो रहा है। अरे इधर तो आओ भैया, कहाँ जा रहे हो पिछड़े के साथ? अच्छा, आपके में अंदर क्या ऐसा टैलेंट है जो मेरे को पता चले कि आपके अंदर कोई टैलेंट है? मेरे अंदर एक टैलेंट है, मैं लड़कियों को पटा सकता हूँ। पटा सकते हो? हाँ। बेन बना के नहीं, फिर कैसे? गर्लफ्रेंड बना के। गर्लफ्रेंड बना के? जी। अगर वो पहले से किसी और की गर्लफ्रेंड हो तो उसको बना लेंगे। मुर्शिद, वफादारों के ताबेदार रहना, हमारा खानदानी रिवाज है। बस ये तो लगता है किसी ने दुम पे पैर रख दिया, इसीलिए ऐसी आवाजें निकलते रहते हैं बस। और उसके अलावा? इसके अलावा टिकटॉक वगैरह पे है सला, बस काम कर रहे हैं। डायलॉग वगैरह नहीं बोलते? डायलॉग वगैरह तो नहीं बोलते अभी तो। टैलेंट तो बहुत है हम में, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला पाकिस्तान में कोई है ही नहीं। रैप तो अभी सीखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, ऐसा ऐसा सीखेंगे। तलांजुम से मिलना है इंशाल्लाह। अरे आपका डांस निकल नहीं रहा, क्यों शर्मा रहे हैं? शर्मा नहीं रहे तो थोड़ा टिकटॉक पे नहीं शर्माते, हमारी ऑडियंस देखेगी, आप उनके लिए शर्मा रहे हैं। आप टैलेंट बोलते हैं, पार्टी पठान के घर में रखोगे तो पठान मेहमान क्या? उसके बॉयफ्रेंड को मामू बनाएंगे, उसका मामू बनाओगे? हाँ, उसके उसने तुम्हें मामू बना के छोड़ दिया? ऐसा हो ही नहीं सकता, यही टैलेंट तो है ना मेरे। ये टैलेंट आपका टैलेंट नहीं हो ना यार, ये टैलेंट है मेरा। आप बोलो किसको करने है ट्राई? मेरा काम ही मेरा टैलेंट है। आपका काम आपका टैलेंट है, तो क्या काम करते हैं? मेरा एसी फ्रिज का काम है, दुकान है, शॉप है मेरी। अच्छा, मतलब एसी फ्रिज का काम करते हैं, ये टैलेंट है आपका? ये मेरा टैलेंट है। और इतने दखल गम दगम हमरे जहांगीर खान बन गए भाई, इनके अंदर पश्तो का टैलेंट आ गया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा سجان ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. سبحان الله، ما شاء الله. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس جگہ پر بھی آپ لوگ نے مجھے اتنا اچھے کام کے لیے کہا کہ تلاوت قرآن مجید کے لیے کہا تھا، ورنہ ادھر تو لوگ ٹک ٹاک بنانے آتے ہیں، الٹی الٹی حرکتیں کرنے آتے ہیں، لیکن بہت شکریہ آپ نے بس یہی تلاوت قرآن مجید کا موقع دیا۔ اسی لیے ہم لوگ پوچھ رہے ہیں لوگوں سے کہ کسی میں کوئی بھی ٹیلنٹ ہے تو ہم اپنی عوام کو دکھا سکیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں ماشاء اللہ انہوں نے کتنا اچھا، دیکھیں ابھی ٹیلنٹ دکھایا، تو میری دعا ہے کہ سب کو یہی ٹیلنٹ آنا چاہیے۔